ही है, पारा लगातार बढ़ रहा है, जिससे आपको अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये कहा है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हीट वेव यानी गर्मी की लहर चलने की संभावना जताई जाती है। यानी कल का दिन जो रहा वो किस तरीके से रहा, यानी वेव यानी गर्मी की लहर चल रही थी और आज भी ऐसी संभावना जताई जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा और दिल्ली में मार्च में बारिश कम होने की वजह से गर्मी बढ़ी है। फिलहाल हैदरअली की खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में मार्च से ही गर्मी का सितम जारी है और कई सारे ऐसे रिकॉर्ड टूटे हैं जब मार्च में पारा तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और अभी भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी दिल्ली के कुछ इलाकों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस रहा है और पूरा दिन गर्मी से लोग झुलसे हैं। साथ ही हवाओं का दौर भी जारी है, यानी कि लू चलने का जो दौर है वो जारी है। इसके अलावा अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने दो दिनों का लू चलने का अलर्ट जारी किया है, यानी कि हीट वेव का। आने वाले दो दिनों में लू चलेगी, तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। साथ ही कहा है अगर घरों से बाहर निकलें तो अपने हाथ पैरों को चेहरे को कवर करके निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहाँ आज भी 41 डिग्री से ज़्यादा कई इलाकों में टेम्परेचर जा सकता है, जिसमें नोएडा भी शामिल है। नोएडा में कहा गया है 41 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस तापमान जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ जाएगा। वहीं इसी तरह दिल्ली के कई इलाकों में भी 41 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहने का अनुमान जताया गया है, फरीदाबाद में भी। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ज़्यादा टेम्परेचर जाने वाला है और साथ ही लू चलेंगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। गर्मी के साथ साथ पोल्यूशन की भी मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं जिसमें गुरुग्राम शामिल है, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा शामिल हैं, इन सभी जगहों पर जो टेम्परेचर मापा गया है वो 250 से ज़्यादा रहा है, जो कि ख़राब श्रेणी में आता है। यानी कि गर्मी के साथ साथ प्रदूषण की मार का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश कम होगी दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा।